हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे आप सभी? देवा स्टडी पॉइंट IQ में आपका स्वागत है। लाइब्रेरी साइंस के मोस्ट इंपॉर्टेंट 15 क्वेश्चन का टेस्ट होने वाला है दोस्तों। इनमें आपको कमेंट में बताना है कि आपके कितने राइट हो रहे हैं दोस्तों। चलो अब स्टार्ट करते हैं। और देवा स्टडी पॉइंट IQ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन दबाएं, जिससे आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। चलो स्टार्ट करते हैं दोस्तों। एक नंबर क्वेश्चन होगा आपका, पुस्तकालयों से संबंधित भारतीय मानकों के लिए जिम्मेदार समिति का क्या नाम है? जिम्मेदार समिति का नाम क्या है? इसमें आपका राइट हो जाएगा दोस्तों MSD 5। दो नंबर राइट हो जाएगा दोस्तों। ठीक है दोस्तों, अगला हो जाएगा आपका क्वेश्चन, विश्व पुस्तक और कॉपीराइट दिवस किस पर मनाया जाता है? विश्व पुस्तक और कॉपीराइट दिवस किस पर मनाया जाता है, कौन सी डेट को मनाया जाता है? तो इसमें आपका राइट हो जाएगा दोस्तों 23 अप्रैल। ठीक है दोस्तों, कमेंट में ज़रूर बताना आपके कितने सही हो रहे हैं दोस्तों। पढ़ के वीडियो रोक कर देख लो आपके कितने सही हो रहे हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन हो जाएगा, हर घर के ई साक्षर में कम से कम एक बनाने के लिए नीति का जोर क्षेत्र में शामिल है? तो इसमें आपका राइट हो जाएगा दोस्तों 2 नंबर, राष्ट्रीय सूचना प्रौद्योगिकी पर नीति 2012। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, लाइब्रेरी साइंस के लिए रट लेना। चलो अगला स्टार्ट करते हैं। 4 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों, पहचाने कि लाइब्रेरी साइंस के 5 कानूनों में से कौन सा रंगनाथन ने अपने लाइब्रेरी साइंस एंड साइंटिफिक मेथड में तुच्छवाद के रूप में टिप्पणी की है? पहला कानून, इसमें आपका राइट हो जाएगा दोस्तों ए ऑप्शन, पहला कानून। ठीक है दोस्तों, अगला हो जाएगा आपका क्वेश्चन, गैर लाभकारी विकिपीडिया फाउंडेशन के स्वामित्व वाले 5 विकिपीडिया को 15 जनवरी 2001 को लॉन्च किया गया था? इसमें आपका राइट क्या होगा दोस्तों? इसमें आपका राइट हो जाएगा जिमी वेल्स और लेरी सेंगर। इसमें आपका एक राइट हो जाएगा। अगला होगा दोस्तों 6 नंबर क्वेश्चन है, अनुकृति एक है? इसमें आपका राइट होगा दोस्तों भारत की वेबसाइट का अनुवाद करना। ठीक है 3 नंबर, अगला हो जाएगा आपका 7 नंबर क्वेश्चन, इजर प्रोक्सी एक उत्पाद है? इजर प्रोक्सी एक उत्पाद है, तो इसमें आपका राइट हो जाएगा OCLC। 3 नंबर इसमें राइट हो जाएगा। रट लेना सारे क्वेश्चन, बहुत इंपॉर्टेंट है लाइब्रेरी साइंस के लिए। लाइब्रेरी थर्ड ग्रेड भर्ती 2018 के लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। अगला क्वेश्चन है 8 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा सूचना पुनर्प्राप्ति का शास्त्रीय मॉडल नहीं है? तो इसमें आपका राइट होगा क्लस्टर। ठीक है दोस्तों, अगला हो जाएगा, मुख्य प्रविष्ट की अवधारणा की पुरानी तकनीक का अवशेष के रूप में किसने आलोचना की? तो इसमें आपका राइट क्या होगा दोस्तों? इसमें हो जाएगा माइकन गोरमन। ठीक है, अगला होगा विषम को पहचाने, इसमें से विषम को पहचाना दोस्तों, संदर्भ प्रविष्टि, केंद्रित प्रविष्टि, विश्लेषणात्मक प्रविष्टि, जोड़ा गया प्रवेश। तो आपका इसमें राइट हो जाएगा दोस्तों केंद्रित प्रविष्टि, ये इनमें से विषम है, ध्यान रखना। अगला होगा, लीडर प्रभावशीलता का पथ लक्ष्य सिद्धांत किसके द्वारा विकसित किया गया है? तो इसमें आपका राइट होगा रॉबर्ट हाउस। ठीक है दोस्तों, ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट है सारे क्वेश्चन। अगला हो जाएगा, अम्ब्रा एक अभिनव ओपन सोर्स प्लेटफॉर्म ओपन एक्सेस रिसोर्स लेख प्रकाशित करने के लिए प्लेटफॉर्म द्वारा विकसित किया गया, किसके द्वारा? अम्ब्रा अभिनव ओपन सोर्स प्लेटफॉर्म किसके द्वारा विकसित किया गया? तो इसमें आपका राइट होगा दोस्तों PLOS। ध्यान रखना दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। अगला हो जाएगा, वेब लॉग शब्द किसके द्वारा गढ़ा गया था? किसके द्वारा? तो इसमें आपका राइट हो जाएगा दोस्तों जॉन बार्जर। 3 नंबर राइट हो जाएगा दोस्तों इसमें। अगला आपका क्वेश्चन होगा, निम्नलिखित में से कौन फाइल होस्टिंग सेवा नहीं है? निम्नलिखित में से कौन फाइल होस्टिंग सेवा नहीं है? तो इसमें आपका राइट हो जाएगा दोस्तों एक्सबॉक्स लाइव, डी ऑप्शन 4 नंबर। ठीक है दोस्तों, अगला हो जाएगा, VU फाइंड के लिए इस्तेमाल किया जाने वाला उपकरण है? तो इसमें आपका राइट होगा दोस्तों लाइब्रेरी रिसोर्स डिस्कवरी सिस्टम।
दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन दबाएं जिससे आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। ऐसे वीडियो में 15-15 क्वेश्चन को आपके लिए बहुत लेकर आने वाला हूँ। चलो धन्यवाद।